खबर ग्वालियर से है, जहां पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। भिंड से बिजौली की ओर से आ रहा कार चालक पुलिस चेकिंग देखकर अवैध शराब से भरी अपनी कार को कुछ ही दूरी पर छोड़कर रात के अंधेरे में खेतों में घुसकर भाग निकला। जब चेकिंग में लगे बल ने कार की तलाशी ली तो कार के अंदर 25 अवैध देसी शराब की पेटियां रखी हुई थी। पुलिस ने कार सहित अवैध शराब की खेप जब्त कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जब्त की गई शराब की कीमत पुलिस ने 125,000 रुपए से अधिक होना बताई है। एडिशनल एसपी राकेश दंडोतिया ने बताया कि पंचायत चुनाव के चलते जिले के सभी देहात थाना क्षेत्रों में चेकिंग प्वाइंट लगाकर देहात व शहर में एंट्री लेने वाले वाहनों की तलाश की जा रही है। इसी के चलते बिजौली थाना प्रभारी साधना सिंह अपने थाने के बल के साथ थाना क्षेत्र के मोहर कलका पूरा इलाके से गुजरने वाले वाहनों की चेकिंग कर रही थी। तभी भिंड की ओर से आ रही सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर क्रमांक MP07CD8276 के चालक ने चेकिंग देख कार को चेकिंग पॉइंट से कुछ ही दूर पहले रोक दिया। कार को रुकती देख मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने दौड़ लगा दी, लेकिन पुलिस बल पहुंचने से पहले कार चालक मौके पर कार छोड़कर भागने में सफल हो गया। पुलिस ने थाने लाकर जब कार की तलाशी ली तो कार की सीट के नीचे लकड़ी का विशेष बॉक्स में शराब की पेटियां छिपाकर रखी गई थी। पुलिस ने शराब की खेप जब्त कर आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। वहीं कार के नंबर की जाँच की गयी तो यह कार गोला का मंदिर में रहने वाले किसी मुन्ने सिंह तोमर के नाम RTO में दर्ज है। आधा दर्जन थाना क्षेत्र से जब्त की अवैध शराब पंचायत व पार्षद के नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए पुलिस ने अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ शिकंजा कसने के साथ चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। बीते 24 घंटों के दौरान शहर व देहात थाना पुलिस ने अलग अलग कार्यवाही करते हुए लगभग 1,00,000 रुपए से अधिक की अवैध शराब तस्करों से जब्त की है। फिलहाल सभी शराब तस्करों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी गई है। ये थाना बिजौली के अंतर्गत चूंकि चुनाव को देखते हुए लगातार सर्चिंग और चेकिंग चलाई जा रही है, इसी आधार पर कल रात्रि में सूचना मिली थी ग्राम बिरजा के पास से एक गाड़ी आ रही है, तो उसको तत्काल घेराबंदी करके जब उसको पकड़ने की कोशिश की गई तो उसने गाड़ी वापस की, तब लेकिन लोगों ने जब उसको घेर लिया तो वो कूद कर अंधेरे का फायदा उठाकर वो भाग गया। लेकिन वो गाड़ी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी मिल गई जिसमें कि टोटल 24 पेटी देसी शराब मिली है और लगभग 1200 क्वार्टर है इसमें, क्योंकि 1.5 लाख की शराब है और उसमें जो स्टिकर लगे हुए हैं वो अल्कोब्रू प्राइवेट लिमिटेड रायरू फॉर्म्स के नाम से उसमें जो लगा हुआ था जो स्टिकर, तो उसकी भी जांच की जा रही है। फिलहाल थाना बिजौली में एक्साइज एक्ट 34(2) के तहत केस रजिस्टर किया जाकर और जिस जो स्विफ्ट कार है उसका जो नंबर आया है उस नंबर के खिलाफ कायमी कर ली गई है और जल्दी आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।